इस वीडियो में आपको बताऊंगी रश्मि देसाई के कुछ ऐसे फैक्ट जिसके बारे में आपको शायद ही पता होगा। क्या आप जानते हैं कि एक समय पर रश्मि देसाई ने शाहरुख खान के साथ में काम किया हुआ है, और आखिरकार वो कौन सा एक्टर है जिसने इस वजह से उस शो को लड़ने के लिए मजबूर हो गया क्योंकि रश्मि देसाई की वैरिटी बैन ज्यादा बड़ी थी। वह आपके मन में सवाल आ रहे हैं, सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आज इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं रुद्र ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। वेल, आपको बता दूं कि रश्मि देसाई ने सिर्फ डेली सोप में नहीं बल्कि बॉलीवुड एस्मी जो इंडस्ट्री है वो, और साथ में भोजपुरी इंडस्ट्री, इन सभी जगहों पर काम किया है। बता दूं आपको कि रश्मि देसाई भले ही गुजराती हो लेकिन उनका जन्म हुआ था असम में, और अपने करियर की शुरुआत भी उन्होंने एक एस्मी फिल्म से की थी, लेकिन इस एस्मी फिल्म में इतना दिल और मन नहीं लगा, इसलिए उन्होंने रुक लिया भोजपुरी फिल्मों की तरफ। आपको बता दूं यहाँ पर कि भोजपुरी फिल्मों में उन्होंने कई फिल्में करी हैं, एक या दो नहीं, बहुत सारी फिल्में की हैं, और यहाँ पर उन्होंने शाहरुख खान के साथ में भी एक फिल्म में काम किया है। जी हाँ, फिल्म का नाम है ये लम्हे जुदाई के। इस फिल्म में शाहरुख खान और रवीना टंडन दोनों लीड एक्टर्स थे, साथ में रवीना टंडन की छोटी बहन का किरदार निभाती हुई नजर आई थी रश्मि देसाई। लेकिन रश्मि देसाई को उस समय पर इतना ज्यादा फेम नहीं मिला उस समय पर, और कहीं ना कहीं रश्मि देसाई ने मुंबई आकर जो अपना पहला ब्रेक लिया उतनी पहचान नहीं ले पाई। लेकिन उसके बाद उन्होंने हाथ आजमाया टेलीविजन इंडस्ट्री में। टेलीविजन इंडस्ट्री में वो आती हैं और नजर आती हैं उतरन सीरियल के अंदर, जिसमें उन्होंने तपस्या का किरदार किया, और तपस्या के किरदार को काफी ज्यादा प्यार भी मिला और लोगों ने उसको अपनाया भी। यहाँ पर आपको बता दूं यहाँ से उनकी पर्सनल लाइफ भी जो है कहीं ना कहीं इफेक्ट हो चुकी थी, क्योंकि जिस तरीके से नंदीश संधु जो कि इस सीरियल में ही उनके साथ में काम कर रहे थे, वीर का किरदार निभा रहे थे, तो यहाँ पर दोनों के बीच में प्यार हो जाता है, दोनों की शादी कर लेते हैं। इस शादी में 3 साल ये बिताते हैं लेकिन उसके बाद में दोनों सेपरेट हो जाते हैं। बता दूं कि दोनों ने ही अपनी शादी को लेकर अलग अलग वजहें बताई थी, जहां पर रश्मि ने कहा कि नंदीश जो है उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रहे हैं और कई बार फोटोज तो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई है, तो वहीं पर नंदीश ने कहा कि रश्मि जो है वो काफी ज्यादा सेंसिटिव, काफी ज्यादा पजेसिव तरीके की लड़की है। तो दोनों ने अलग अलग वजहें दी हैं, दोनों के पास अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है। उसके बाद में रश्मि देसाई करती हुई नजर आई सीरियल दिल से दिल तक। आपको बता दूं कि दिल से दिल तक जब वो शो कर रही थी उस दौरान भी उन्होंने लोगों का दिल तो जीता, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से पर्सनल लाइफ को लेकर इश्यू क्रिएट होते रहे वो भी सुर्खियों की वजह बनी रही। आपको बता दूं कि सेट पर सिद्धार्थ शुक्ला के साथ में उनकी नजदीकियां काफी बढ़ गई थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स इस बात का दावा करती हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई, इन दोनों के बीच में प्यार जो था वो पनप चुका था, दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे, कई बार साथ में स्पॉट भी किए जाते थे, दोनों का डेली मिलना जुलना भी होता था। लेकिन फिर खबरें आनी शुरू हुई कि सिद्धार्थ शुक्ला ने जैस्मिन भसीन को डेट करना शुरू कर दिया है और इस बात से खफा हो चुकी है रश्मि देसाई। अब रश्मि देसाई जब खफा हुई तो कहीं ना कहीं दोनों के लड़ाई झगड़े जो थे वो पब्लिकली सामने भी आ चुके थे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने वैनिटी वैन वाला बात बताया था, आपको बता दूं कि वैनिटी वैन वाला जो किस्सा है वो दिल से दिल तक सेट का ही है। जी हाँ, दिल से दिल तक के सेट में हर एक एक्टर को उनकी अपनी अपनी एक जगह दी जाती है, वैनिटी दी जाती है या रूम दिया जाता है। यहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई दोनों को वैनिटी वैन दिए हुए थे, लेकिन रश्मि देसाई की वैनिटी वैन थोड़ी बड़ी थी और सिद्धार्थ शुक्ला की छोटी थी। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर के सामने इस बात को सिद्धार्थ शुक्ला ने कहा था कि मैं इस सीरियल में काम नहीं करूंगा क्योंकि रश्मि देसाई की वैनिटी वैन जो है वो मेरी वैनिटी वैन से बड़ी है। वेल, यकीन होना मुश्किल है लेकिन ये सच्चाई है। वेल, आपको बता दूं कि दोनों के रिश्तों में काफी ज्यादा दरार आ चुकी थी और प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर दोनों इन दोनों के लड़ाई झगड़ों से परेशान हो चुके थे, क्योंकि रोजाना इस तरीके की हरकतें होने लगी थी जिसकी वजह से सिद्धार्थ शुक्ला को इस शो से हाथ धोना पड़ा था और उन्हें अचानक से रिप्लेस भी कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद में सीरियल भी काफी अच्छे से नहीं चल पाया और कहीं ना कहीं शो को बंद करने की नौबत भी आ चुकी थी। इसके बाद भी रश्मि देसाई का अफेयर अरहान के साथ में चला, अरहान खान जो कि सीजन 13 में बिग बॉस में नजर आए हैं रश्मि देसाई के साथ में। लेकिन उसमें जिस तरीके की चीजें खुली वो आप सबके सामने है। सलमान खान ने हर उस बात का खुलासा किया जो कि सोशल मीडिया पर भी चल रहा था और सच्चाई छानी भी नहीं गई, उसके बाद ही सामने लाई गई। बता दूं कि रश्मि देसाई लास्ट जो है वो सीजन 13 के अंदर नजर आई है बिग बॉस के,
उसके बाद से जो है अगर उनका मैरिड स्टेटस कहा जाए तो वो सिंगल कहती है कि मैं सिंगल हूँ, फिलहाल रिलेशनशिप्स को मैं समय नहीं देना चाहती हूँ, मैं इस समय अपने सिर्फ अपने करियर पे फोकस करना चाहती हूँ। और सोशल मीडिया सेंसेशन है इस समय पर, काफी लोग जो है उन्हें फॉलो भी करते हैं, उनकी बोल्ड उनकी तस्वीरें उनकी वीडियोस हर किसी चीज को जो है वो प्यार दिया जाता है। वाले आप लोग क्या कहना चाहेंगे रश्मि देसाई के लिए, क्या जो मैंने आपके उनके बारे में बातें बताई हैं क्या आपको पहले से पता थी? वेल राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए चैनल के साथ बॉलीवुड हेडलाइंस में।